2008 का इनफेमस सिडनी टेस्ट आज भी हर क्रिकेट फैन की मेमोरी में ताजा है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच वो टेस्ट मैच डिजास्ट्रस अंपायरिंग और पुअर स्पोर्ट्समैनशिप के कारण मेजर टॉकिंग पॉइंट बन गया था। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैचेस जो 1996 से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के रूप में खेले जाते हैं अक्सर हाई प्रोफाइल अफेयर्स रहते हैं। इस वीडियो में हम 5 आइकॉनिक टेस्ट मैचेस के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में आज भी चर्चा होती रहती है। 2004 मुंबई टेस्ट इंडिया 1/13 रन्स। इस मैच की पहली इनिंग्स पर इंडिया 104 पर ऑल आउट हो गई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स के दौरान अनिल कुंबले और मुरली कार्तिक ने विजिटर्स को 203 तक ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया। दूसरी इनिंग्स में सचिन तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण ने हाफ सेंचुरीज बनाई और इंडिया ने 205 रन बोर्ड पर ऐड किए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए मात्र 107 रन की जरूरत थी, लेकिन कमाल की बॉलिंग की वजह से वो 93 पर ही ऑल सरेंडर कर बैठे। 2008 पर्थ टेस्ट इंडिया 1/72 रन। उस इनफेमस सिडनी टेस्ट के बाद ऑस्ट्रेलिया के पास 2-0 की सीरीज लीड थी। दोनों टीम्स के बीच टेंशन ऑल टाइम हाई था और सबकी नजर प्लेयर्स पर थी। पहले बैट करते हुए इंडिया ने 330 रन बनाए और जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 212 रन ही बनाए। दूसरी इनिंग्स में इंडिया ने 294 रन और ऐड किए और ऑस्ट्रेलिया को 413 रन का टफ टारगेट दिया। रिकी पॉन्टिंग की साइड ने फाइट तो जरूर की, लेकिन 340 रन पर ही ऑल आउट हो गए। 2010 मोहाली टेस्ट इंडिया 1/1 विकेट। पहले बैट करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 428 रन का मैमथ टोटल पोस्ट किया, जिसके जवाब में इंडिया ने 405 रन बनाए। दूसरी इनिंग्स में 192 स्कोर करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 216 का टारगेट दिया। बैट करते हुए वीवीएस लक्ष्मण बेहद देर तक टिके रहे और लोअर बैट्समैन के साथ पार्टनरशिप बनाकर उन्होंने एक विकेट से जीत छीन ली। 1986 चेन्नई टेस्ट मैच टाई। 1986 की सीरीज का पहला मैच चेन्नई में हुआ था। पहले बैट करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 574 फॉर द लॉस ऑफ 7 का मैसिव स्कोर पोस्ट किया। इन रिप्लाई इंडिया कुड ओनली स्कोर 397 रन्स थैंक्स टू अ सेंचुरी फ्रॉम स्किपर कपिल देव। सेकंड इनिंग्स में ऑस्ट्रेलियन टीम ने 170 फॉर 5 पर डिक्लेयर कर दिया और इंडिया के सामने 348 का बड़ा टारगेट था। दूसरी इनिंग्स में इंडियन टीम ने बेहतरीन बैटिंग की और जीत के एकदम करीब तक आ गई। जब टीम 347 रन पर थी और जीत से मात्र एक रन की दूरी पे, तब आखिरी बैट्समैन मनिंदर सिंह LBW आउट हो गए और मैच ड्रॉ हो गया। 2001 कोलकाता टेस्ट इंडिया 1/171 रन। 2001 का कोलकाता टेस्ट इन दोनों देश के बीच का ही नहीं, लेकिन क्रिकेट के इतिहास का द ग्रेटेस्ट टेस्ट में से एक है। कैप्टन स्टीव वॉ की सेंचुरी की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने 445 रन का बड़ा टोटल पोस्ट किया और जवाब में इंडिया मात्र 171 रन ही बना सकी। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया पर फॉलो ऑन इम्पोज किया, जहां इंडिया ने हिस्टोरिक कमबैक किया। वीवीएस लक्ष्मण एंड राहुल द्रविड़ बैटेड फॉर एन एंटायर डे। लक्ष्मण के 281 रन और द्रविड़ के 180 रन की मदद से इंडिया ने 657 पर डिक्लेयर कर दिया। 384 चेस करते वक्त ऑस्ट्रेलिया हरभजन सिंह के 6 विकेट हॉल के कारण 212 पर ही ऑल आउट हो गई।